नूह एंटी नारकोटिक सेल व सीआईए ताउडू ने हत्या मारपीट व अवैध हथियार रखने की वारदातों में वांछित बदमाश मुस्तकीम उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी नारकोटिक सेल ताउडू सीआईए प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक राजेश के नेतृत्व में गठित टीम ने अवैध हथियार रखने के जुर्म में एक आरोपी को अवैध हथियार सहित गाँव बावला ताउडू से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से एक अवैध हथियार, देसी कट्टा, एक अवैध देसी पिस्टल, एक मैगजीन व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर ताउडू में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सहायक उप निरीक्षक ताउडू के नेतृत्व में गठित टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुस्तकीम उर्फ मुस्तफा पुत्र जाकिर निवासी छारोड़ा अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है तथा अपने पास अवैध असला भी रखता है और आज अपने साथियों से मिलने के लिए गांव बावला जाएगा। जिस सूचना पर सीआईए टीम ने बावला रोड के पास नाकाबंदी कर आरोपी को काबू किया, जो प्रथम पूछताछ पर आरोपी ने उपरोक्त मुकदमा के अतिरिक्त जिला नूह में हत्या मारपीट व अवैध हथियार रखने की 3 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी से पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। आरोपी को नियमानुसार अदालत में पेश किया गया। MTV हरियाणा के लिए ताउडू से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट।